जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने 8 रन से जीत लिया है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चौथा T20 मुकाबला। कह सकते हैं दोस्तों, आज के मुकाबले में टीम इंडिया ने कोहली की कप्तानी में नहीं बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ये मुकाबला जीता। आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि कैसे रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, तो आपको बताएंगे मैच में पूरी जानकारी कि क्या कुछ घटा और रोहित शर्मा क्यों कप्तानी कर रहे थे, वो जानकारी भी अब हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। लेकिन बात करें शुरुआत से, एकदम शुरू से, तो सबसे पहले दोस्तों इंग्लैंड की कप्तान इयॉन मॉर्गन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा है वहां का अब तक का यही रिकॉर्ड रहा है कि जो पहले गेंदबाजी करता है वो जीतता है। यानी पिछले 3 मुकाबले आप उठा के देख लीजिए, जब दूसरे T20 में इंडिया ने पहले गेंदबाजी की तो उनकी जीत हुई थी, और बाकी 2 T20 में इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी की तो उनकी जीत हुई थी। यहाँ पर साफ था कि आज का मुकाबला भी इंग्लैंड के पक्ष में 80% चांसेस थे कि इंग्लैंड ही जीतती। लेकिन सबसे खास बात यह देखने को मिली, आज के मैच में सूर्य कुमार यादव ने बल्ला थामा, मैदान पर आए और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, हमने देख ही लिया था पिछले मुकाबले में विराट कोहली का बयान सामने आ गया था मैच के बाद कि वो केएल राहुल को बाहर नहीं करेंगे टीम से, चाहे वो कितना भी खराब प्रदर्शन करे। तो आज के मुकाबले में भी केएल राहुल और रोहित शर्मा की ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन टीम में बड़ा बदलाव ये था कि युजवेंद्र चहल को आराम दिया गया, उनकी जगह टीम में आज खिलाया गया राहुल चहर को, जो काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी किए। उसी के साथ दोस्तों आज ईशान किशन को बैठाया गया था और सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया था ईशान किशन की जगह। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन पिछले मुकाबले में तीसरे नंबर पर विराट कोहली की जगह खेलते हुए दिखाई दे रहे थे उनकी पोजीशन पर, तो आज के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव विराट कोहली के तीसरे नंबर की पोजीशन पर खेलते नजर आए। शुरुआत करी दोस्तों रोहित शर्मा और केएल राहुल ने ओपनिंग करी, जहां पर पहली विकेट दोस्तों रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया की गिरी थी, क्योंकि 12 गेंदों पर 12 रन ही बनाया था। और जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंद डाली, जहां पर रोहित शर्मा के बल्ले के स्टिकर पे लगते हुए जोफ्रा आर्चर ने ही कैच पकड़ ली। लेकिन जो मैच की शुरुआत थी, यानी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का जड़ा था और इससे आगाज कर दिया था कि आज का मैच टीम इंडिया ही ले जाने वाली है। एक चौका एक छक्का मार के रोहित शर्मा बहुत जल्दी वापस चले गए थे, क्योंकि तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही रोहित शर्मा का 21 रन टीम इंडिया के विकेट गिर चुका था। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर विकेट के रूप में आया, यानी जो टीम इंडिया ने 185 8 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग में बनाए, उसमें 8 विकेट दोस्तों आपको बता दें तो पहली गई थी रोहित शर्मा की, दूसरी गई थी केएल राहुल की, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर केएल राहुल का साथ दे रहे थे सूर्य कुमार यादव। केएल राहुल ने अपने आप को टिकाने के लिए मौके भी लिए, क्योंकि 17 गेंद खेली और इस 17 गेंद में सिर्फ 14 रन बनाए। उम्मीद यही कर रहे थे कि केएल राहुल अब मारना शुरू करेंगे, लेकिन उनके बल्ले से रन आने का नाम नहीं ले रहे थे। सिर्फ 17 गेंदों में 14 रन ही बना पाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उम्मीद यही कर रहे थे कि ये 2 चौके उनके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे, लेकिन केएल राहुल का एक बार फिर से फ्लॉप शो हम सभी को देखने को मिला। वो तो गनीमत है कि दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव खड़े हुए थे। बैन स्टोक ने विकेट ली, केएल राहुल की कैच पकड़ी थी जोफ्रा आर्चर ने, और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल की विकेट गई थी। उसके बाद दोस्तों बात करें, केएल राहुल के बाद आए थे विराट कोहली मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए, लेकिन बीच में 2 मुकाबले में चलने के बाद एक बार फिर से विराट कोहली का फ्लॉप शो देखने को मिला, क्योंकि 5 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए थे और बॉलर आदिल रशीद ने एक बार फिर से विराट कोहली को अपना शिकार बनाया, जहां पर स्टंप आउट कर दिया था जॉस बटलर ने। कोहली के इतनी जल्दी विकेट गिरने की वजह से दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया ने बहुत जल्दी 3 विकेट खो दिए थे, जहां विराट कोहली की विकेट गई थी दोस्तों 8वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब टीम इंडिया का टोटल रन 70 तक पहुंचा था सिर्फ। ऐसे में 3 विकेट ऐसे 3 बल्लेबाजों को खो देना जो अकेले ही इस पारी को संभाल सकते थे काफ़ी ज़्यादा दुखदायी वाला था। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक छोर संभाल के रखा, उसके बाद पंत उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत ने 23 गेंद में 30 रन की पारी खेली 4 चौके की मदद से, लेकिन बॉलर जोफ्रा आर्चर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और सीधा विकेट उखाड़ दिया ऋषभ पंत का। दोस्तों वो गेंद देखने लायक थी और वो विकेट भी किस प्रकार से गिरी थी वो भी देखने लायक था। हम अपनी पिछली कुछ वीडियो में दोस्तों वही चर्चा कर रहे हैं लगातार कि ऋषभ पंत के बल्ले से रन आ रहे हैं T20 मुकाबले में, लेकिन 20 से 30 रन के बीच ही इनका ना जाने क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या फिर इनका मनोबल टूट जाता है पूरी तरीके से, और ये 20-30 रन से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप पिछले 3 मुकाबले 4 मुकाबले दोस्तों देख लें तो इनकी बल्लेबाजी आई है और बल्लेबाजी किए भी हैं, लेकिन 21-22 गेंदों पर 25-30 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। यानी अपनी छोटी पारियों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे, जो ये खिलाड़ी अब शायद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पर खल रही है। लेकिन ऋषभ पंत का जो विकेट जोफ्रा आर्चर ने लिया है, जोफ्रा आर्चर ने अपने आप को साबित कर दिया कि क्यों इन्हें दिग्गज गेंदबाज माना जाता है। दोस्तों अब भी दूसरा छोर संभाले खड़े थे सूर्य कुमार यादव, अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए आए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान सुरेश अय्यर।
श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 18 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली, 5 चौके 1 छक्के की मदद से आते ही इन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत पारी खेलनी शुरू कर दी थी। लेकिन ऐसे में इनकी इस पारी की बदौलत सूर्य कुमार यादव को भी मौका मिला कि एक छोर के साथ टीम के साथ बने रहें, और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की अच्छी साझेदारी बनी जिसकी वजह से टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा। लेकिन विराट कोहली के बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव का ही विकेट गिरा था। सूर्य कुमार यादव ने आज के मैच में अपनी पहली T20 इंटरनेशनल 50 बनाई, दूसरा मुकाबला खेले अपने दूसरा T20 का, लेकिन 31 गेंदों पर 57 रन की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली, 6 चौके 3 छक्के की मदद से 183 का स्ट्राइक रेट इनके बल्ले से देखने को मिला। दोस्तों आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस और RCB का वो वाला मुकाबला जब सूर्य कुमार यादव अपनी चेस्ट पर हाथ देके ये दिखाते हैं कि मैं मैदान पर मौजूद हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे में हमें आज के मुकाबले में ठीक हूबहू वैसा ही देखने को मिला कि सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद थे और किसी को डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि इनका साथ देने के लिए खिलाड़ी मौजूद थे और ये अकेले ही रन बना रहे थे। लेकिन जो उनका कैच पकड़ा गया था सूर्य कुमार यादव का डेविड मलान के द्वारा, वो सचमुच काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल केस था क्योंकि दोस्तों जो कैच पकड़ी वो मैदान पर छू रही थी, साफ साफ हमें बिग स्क्रीन पर देखने को मिला जब थर्ड एम्पायर रिव्यू ले रहे थे। तो ऐसे में लेकिन सॉफ्ट सिग्नल जो एम्पायर के जो मौजूद रहते हैं उन्होंने आउट दिया था, जिसकी वजह से थर्ड एम्पायर के पास कोई कॉन्क्लूसिव फुटेज होने की ना वजह से सूर्य कुमार यादव को कैच आउट दे दिया गया। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था जिससे सभी फैंस काफ़ी नाराज दिखाई दिए सोशल मीडिया पे। अब श्रेयस अय्यर दोस्तों 18 गेंदों पर 37 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, जहां पर टीम इंडिया का 16.2 ओवर की गेंद पर 144 रन जब बना था तब पंत का विकेट गया, और 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या का 170 रन पर गिरा था, और 19वें ओवर की पहली गेंद पर 174 जब रन टोटल पहुंचा था तब श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा था, और 19वें ओवर की 4थी गेंद पर 179 रन जब बने थे तब वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरा था। ठाकुर के बल्ले से 4 ओवर 4 गेंदों पर 10 रन आए, वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से 2 गेंद पर 4 रन आए, भुवनेश्वर कुमार 0 रन बनाए, और हार्दिक पांड्या 8 गेंद में 11 रन करते कराते दोस्तों टीम इंडिया 185 8 विकेट के नुकसान पर पहुंची। लेकिन अब बल्लेबाजी की बारी थी इंग्लैंड की, लेकिन उससे पहले बात कर ले सबसे अच्छा गेंदबाजी किसने किया इंग्लैंड की तरफ से, तो वो नाम है जोफ्रा आर्चर का। 4 ओवर में 33 रन देते हुए 4 विकेट झटके, आदिल रशीद ने 4 ओवर में 39 रन देते हुए 1 विकेट लिया, बैन स्टोक ने 3 ओवर में 26 रन देते हुए 1 विकेट लिया, सैम करन ने 1 ओवर में 16 रन दिए लेकिन 1 विकेट इन्होंने भी लिया। अब दोस्तों 185 रन इंडिया ने बना दिए तो 186 बनाने थे इंग्लैंड को। शुरुआत करी जैसन रॉय और जोस बटलर ने, इनकी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था, मानसिकता एकदम साफ थी कि पिछले मुकाबले की जो विनिंग टीम थी वो इस मुकाबले में भी टीम इंडिया को हराने के लिए तैयार है। लेकिन टीम इंडिया का दोस्तों 86% ऐसा चांसेस रहा है कि जब जब मुकाबले नॉकआउट की बात आई है तब तब इंडिया जीत के दिखाई है। जैसन रॉय जोस बटलर मैदान पर मौजूद थे, लेकिन आज मौजूद थे एक्सपीरियंस से भरे खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार। गेंद जब थमाई भुवनेश्वर कुमार के हाथ में विराट कोहली ने तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर 15 रन जब बना था इंग्लैंड का तब जोस बटलर का विकेट लेके दिया, जिन्होंने पिछले ही मैच में 83 रन की शानदार पारी खेलकर अकेले दम पर इंग्लैंड को मैच जिताया था। तो जोस बटलर का शुरुआत में ही विकेट मिल जाना टीम इंडिया के लिए खुशखबरी थी, लेकिन दूसरे छोर पर जैसन रॉय ताबड़तोड़ पारी खेले थे। 27 गेंद पर 40 रन की पारी जैसन रॉय ने खेली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया और कैच पकड़ी सूर्य कुमार यादव ने, जिसके चलते जैसन रॉय आउट हो गए। अगर ये आउट नहीं होते तो बड़ी पारी खेल के जाते और टीम को मैच जिता देते। 6 चौके 1 छक्का जैसन रॉय ने मारा और 1 छक्का जोस बटलर ने मारा। डेविड मलान दोस्तों आए थे, लेकिन इनको बॉलर राहुल चहर, जो अपना दूसरा T20 मुकाबला वैसे करियर का खेल रहे थे और इस सीरीज का पहला मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने डेविड मलान को बहुत जल्दी चलता कर दिया। उसके बाद जॉनी बेस्टो ने अच्छी कमाल करके दिखाई दोस्तों। बैन स्टोक के साथ जॉनी बेस्टो की पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन 19 गेंद पर 25 रन जॉनी बेस्टो ने मारे 2 चौके 1 छक्के की मदद से, लेकिन फिर एक बार बॉलर राहुल चहल ने बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया जो वॉशिंगटन सुंदर की जगह कैच पकड़ी, जहां जॉनी बेस्टो की और युजवेंद्र चहल की जगह राहुल चहर खेल रहे थे। तो जॉनी बेस्टो का विकेट काफ़ी बड़ा साबित हुआ क्योंकि बेस्टो और बैन स्टोक के बीच पारी पनप रही थी। अब दोस्तों बैन स्टोक अकेले मैदान पर खड़े थे और 23 गेंद पर 46 रन मारे थे। इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड के कप्तान है उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन 6 गेंद पर 4 ही रन बना पाए थे, जिसकी वजह से बॉलर शार्दुल ठाकुर ने इनको आउट कर दिया। और जो बैन स्टोक खतरनाक पारी खेल रहे थे, अगर उनका आउट नहीं किया जाता तो फिर दोस्तों दिक्कत पैदा हो जाती और इंग्लैंड की झोली में मैच चला जाता, लेकिन बॉलर शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने के लिए काफ़ी करीब ले गए और बैन स्टोक को चलता कर दिया था। सैम करन की विकेट हार्दिक पांड्या ने ली, 5 गेंद पर 3 ही रन बना पाए थे। क्रिस जॉर्डन की विकेट बॉलर शार्दुल ठाकुर ने ली, जो 9 गेंदों पर 12 रन बना पाए। जोफ्रा आर्चर नाबाद रहे, 8 गेंदों पर 18 रन बनाए। बता दें दोस्तों कि आखिरी के ओवर में
23 रन चाहिए थे, जहां पर जोफ्रा आर्चर ने सबकी नाक में दम कर दिया क्योंकि शानदार चौके छक्के मारकर टीम को अपने इस करीब ले आए कि 3 गेंद पर लास्ट की 12 रन चाहिए थे। तो दोस्तों हमें देखने को मिला एक अजीब घटना मैदान पर कि 16वें ओवर के बाद ही विराट कोहली बाहर जाके बैठ गए और रोहित शर्मा कप्तानी करते नजर आए। दोस्तों कह सकते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी में नहीं बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी में आज का मुकाबला जीता गया है, क्योंकि जो लास्ट के 4 ओवर बचे थे वो काफी मेन हो गए थे क्योंकि तब बैन स्टॉक ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे और सचमुच कमाल कर रहे थे। जैसे ही दोस्तों आप देखिए कि 16वें ओवर के बाद विराट कोहली बैठे तो 16वें ओवर की पहली गेंद पर बैन स्टॉक का विकेट 140 रन जब टीम इंग्लैंड का स्कोर पहुंचा तभी ले ली, और 16वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर इयान मॉर्गन का विकेट भी शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों ले लिया और 140 रन के बाद इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी। कह सकते हैं ब्रेक थ्रू दिलाया तो शार्दुल ठाकुर ने दिलाया और अगर विकेट दिलवाई तो रोहित शर्मा की कप्तानी में आई। और फिर 17वें ओवर की 6ठी गेंद पर सेम करन के रूप में दोस्तों विकेट मिला और 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस जॉर्डन के रूप में विकेट मिला, और ये सारे विकेट रोहित शर्मा की कप्तानी में आई क्योंकि उप कप्तान है टीम इंडिया के। जब कप्तान मौजूद नहीं रहेगा क्रीज पर तो ऐसे में उप कप्तान सारी भूमिका निभाएगा। दोस्तों बात करें दोस्तों विकेट की तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जॉस बटलर का विकेट गिरा था, करते कराते ऐसी विकेट काफी गई। लेकिन अगर इंडिया की सबसे अच्छी गेंदबाजी की बात करें किसने की तो वो है बॉलर शार्दुल ठाकुर, क्योंकि इन्होंने बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया बैन स्टॉक की विकेट लेकर और इयान मॉर्गन की विकेट लेकर। नहीं लेते तो वो दोनों अकेले ही मैच जिता सकते थे। 4 ओवर में भले ही 42 रन खाए हों लेकिन 3 विकेट ली। हार्दिक पांड्या दोस्तों एज अ गेंदबाज खेले आज के मुकाबले में बहुत कमाल किया, 4 ओवर में 16 रन दिए और 2 विकेट ली। भुवनेश्वर कुमार ने पहला विकेट लिया था और 4 ओवर में 30 रन देते हुए 1 विकेट ली, साथ ही मैच एक मैड इन ओवर डाला जो T20 में सोने के ओवर के समान होता है। राहुल चहर दोस्तों अपना सीरीज का पहला मुकाबला खेल रहे थे युजवेंद्र चहल की जगह, 4 ओवर में 35 रन देते हुए 2 विकेट इन्होंने किए। आज के मुकाबले में दोस्तों रोहित शर्मा ने भले ही कम रन मारे हों लेकिन इनके 9000 रन T20 में करियर में पूरे हो चुके हैं। इनसे ऊपर विराट कोहली मौजूद हैं और इनके नीचे सुरेश रैना मौजूद हैं। ये दोस्तों पूरे मैच की हाईलाइट थी, जहां पर इस सीरीज में 5 मैचों की श्रृंखला में अब 2-2 की बराबरी हो चुकी है। जो अगला मुकाबला टीम जीतेगी वो टीम जीत जाएगी ट्रॉफी, और साफ साफ हमें देखने को मिलेगा कि फिर से एक बार इंग्लैंड के सामने इंडिया का दबदबा कायम रह सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा अगले मुकाबले में क्या कुछ होता है। टीम इंडिया की जीत पर हमारी तरफ से काफ़ी सारी बधाइयाँ। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।